नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडस न्यूज 24x7 और मैं हूं आपके साथ हलना खान। एलन मस्क बन गए ट्विटर के नए मालिक। एलन मस्क ट्विटर के नए मालिक बन गए हैं। ट्विटर के ऑफिस पहुंचते ही सबसे पहले मस्क ने इसके सीईओ पराग अग्रवाल को टर्मिनेट किया। पराग के अलावा कई और अधिकारियों को टर्मिनेट कर उन्हें दफ्तर के बाहर निकलवाया है। एक दिन पहले ही मस्क टॉयलेट सिंक लेकर ट्विटर के हेड ऑफिस पहुंचे। शुक्रवार को सीएफओ नेड सेगल ने कंपनी छोड़ दी है। माना जा रहा है कि अब मस्क ही ट्विटर के नए सीईओ होंगे। सीएनबीसी ने सूत्रों का हवाला देते हुए कहा है कि वो दोनों वापस नहीं आएंगे। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार कानूनी नीति ट्रस्ट और सुरक्षा के प्रमुख विजया गड्डे को भी निकाल दिया गया था, जिन्होंने ट्रंप के खाते पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया था। 51 वर्षीय अरबपति के पास नवंबर में परीक्षण का सामना करने वाले अपने 44 बिलियन के अधिग्रहण सौदे या जोखिम को पूरा करने के लिए 28 अक्टूबर तक का समय था। राज्यों के गृह मंत्रियों के साथ सुरक्षा पर चर्चा कर रही भारत सरकार राज्यों के गृह मंत्रियों के साथ चिंतन शिविर में आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मंथन कर रही है। हरियाणा के सूरजकुंड में आयोजित इस शिविर में देश के सभी राज्यों के गृह मंत्रियों ने हिस्सा लिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा कि साइबर अपराध, मादक पदार्थों की तस्करी और दूसरी चुनौतियों को रोकने के लिए राज्यों के गृह विभागों को केंद्र के साथ मिलकर काम करना होगा। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिविर को संबोधित किया और फेक न्यूज को लेकर चिंता जाहिर की है। पीएम ने कहा कि किसी भी सूचना को वेरीफाई किए बिना आगे नहीं बढ़ाना है, इसको लेकर हमें लोगों को जागरूक करना होगा। बांदा फतेहपुर हाईवे पर बाइक सवार युवकों को ट्रक ने मारी टक्कर, दो की मौत एक घायल। बांदा फतेहपुर मार्ग पर भुजरा मोड़ के पास बाइक सवार तीन युवकों को सामने से ट्रक ने टक्कर मार दी, दो की मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक गंभीर रूप से घायल है, जिसे उपचार के लिए पीएचसी में भर्ती कराया गया। तिंदवारी कस्बा की प्रेमनगर निवासी श्रीपाल उर्फ कैरा का पुत्र 18 वर्षीय रितिक, गांधीनगर निवासी उमेश गिरे का पुत्र रवि व श्रीनगर निवासी अंशु बाइक से फतेहपुर की ओर जा रहे थे। रास्ते में भुजरक मोड़ के पास सुबह सामने से आए वाहन ने टक्कर मार दी। रितिक और रवि की मौके पर ही मौत हो गई। अंशु को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भारतीय करेंसी पर श्री गणेश जी और लक्ष्मी जी की फोटो लगाए जाने के संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक मांग पत्र भेजा है। केजरीवाल ने लिखा कि 130 करोड़ लोगों की यही इच्छा है। आपको बता दें कि दो दिन पहले ही केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये मांग उठाई थी। हालांकि इसको लेकर उनका जबरदस्त विरोध भी देखने को मिला है। भाजपा ही नहीं बल्कि बाकी विपक्षी दल भी केजरीवाल की इस पॉलिटिक्स की आलोचना कर रहे हैं। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार को डेढ़ महीने में दूसरा झटका लगा है। इस दरमियान राज्य से 1.5 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट वेदांत फॉक्सकॉन के निकलने के बाद अब टाटा एयरबेस प्रोजेक्ट, जिसकी लागत कोई 22,000 करोड़ है, वो भी निकल गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के वडोदरा में इस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे। दर्शकों से अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम या डेली मोशन पर भी फॉलो कर सकते हैं। We'll be right back.